डे रेस्पिरंस आज की जो सिटिंग है उसमें जिस एरिया को हम देखेंगे वो ग्लोबल पावर शिफ्ट इन पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी च्वाइस हैं इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कोशिश करेंगे कि हमें सही क्लैरिटी हो कि क्या मतलब है ग्लोबल पावर शिफ्ट का कैसे ग्लोबल जो पावर है वो शिफ्ट कर रही है या ग्रेविटेट कर रही है अवे फ्राम वेस्ट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट आर अवे फ्राम ग्लोबल नॉर्थ टूअर्ड्स ग्लोबल साउथ आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर को और एक ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था अंडर द टाइटल ऑफ लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए उस ऑर्डर को प्रीच एंड प्रमोट करने के लिए सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय किए थे इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनस इन द फॉर्म ऑफ लिबरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड थ्रू गुड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनिशियली जो ऑर्डर बना था उसकी जो नेचर है या नेचर थे वो एक बाउंडेड ऑर्डर था। yes, यानी उसकी जो एरिया ऑफ उसका जो सर फंक्शनल एरिया था या जिस टेरिटरी में वो ऑपरेट कर रहा था वो लिमिटेड इन इट्स स्कोप एंड सब्सटेंस था जो कि कंसनट्रेटेड थी टू द वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न जो टेरिटरी है वेस्टर्न जो कॉन्टीनेंट है वहाँ तक वो ऑर्डर लिमिटेड था लेकिन बाय द एंड ऑफ कोल्ड वॉर विद इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन यूनाइटेड स्टेट्स ने उस ऑर्डर को ग्लोबलाइज किया और उस ऑर्डर को मेंटेन रखा थ्रू सच इंस्टीट्यूशंस एस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक फैटअप है नेटो है एंड सोफो टाइम जैसे जैसे गुजरा नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस का राइस हुआ और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी उस पावर एंड अथॉरिटी को एक्सप्लॉय किया जिसकी वजह से वो जो ऑर्डर था जो कि लिबरल मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर के नाम से आज भी जाना जाता है उस ऑर्डर में फ्रैक्चर्स आना शुरू हुए एंड टाइम अब ऐसा आ गया कि उस ऑर्डर की जो रेलेवेंस है उसकी इफिकसि एंड अफेक्टिवनेस है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग है इसी वजह से जो एक इंटरनेशनल रिलेशंस में जो न्यू रियलिस्ट हैं स्पेसिफिकली ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं जॉन मेयर जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल है उनका कहना यह है कि जो लिबरल ऑर्डर था वो वॉज डिस्टिन टू फेल फ्राम इट्स स्टार्ट एस इट कंटेन् सीट्स ऑफ इट्स ऑन डिस्ट्रक्शन ऐसा क्यों इन्होंने कहा इनके अकॉर्डिंग जिस ऑर्डर को यूनाइटेड स्टेट्स ने इस्टेब्लिश किया था उस ऑर्डर के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ऐसे फॉल्टी इन नेचर थे जिसकी वजह से उस ऑर्डर का क्लेस करना बनता था अब क्या मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया पूरी में अपनी ऑर्डर अपनी अथॉरिटी एंड पावर के थ्रू अपने नॉम्स या ऐसे एक कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की एक ऐसे सिस्टम को एक ऐसे सेट ऑफ नॉम्स को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जो कि हर सोसाइटी के लिए फिजिबल नहीं थे फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेसी को लें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा सिस्टम पॉलिटिकल एक ऐसे फिलोसफी को पूरी दुनिया में इंटरनेशनलाइज़ करने की कोशिश की और उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए इवन जंगें भी लड़ी जो कि हर सोसाइटी के लिए फिजिबल नहीं था और नहीं है तो ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी प्रिंसिपल्स आर ऐसे अंडरलाइंग अगर गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बेस पे एक ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया जाए तो उसका फेल होना बनता है अकॉर्डिंग टू जॉन शिमर उसके अलावा भी सर्टेन रीजंस हैं जो इंस्टीट्यूशन थे जिनका काम रेगुलेट करना था रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड जिनका काम था एक स्मूथनेस क्रिएट करना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आर इन रिलेशन बिटवीन स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ने टाइम के साथ साथ उन इंस्टीट्यूशनस को अपने इंटरेस्ट के लिए मिलट्राइज किया एंड वेपनाइज किया टू पनिश दोस्त जो कि उनकी यूनाइटेड स्टेट्स के बताए हुए लाइन को जो जिन नेशन ने फॉलो नहीं किया उन नेशंस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनको हर्ट किया जिसकी वजह से ये जो ऑर्डर है जिसको लिबरल ऑर्डर कहते हैं उसका फेल होना बनता था इसके अलावा एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ हेनरी कैसंजर कहते हैं कि एक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए उसके ऊपर एक प्रॉपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए और उस अथॉरिटी की विलिंगनेस होनी चाहिए टू टाइम एंड अगेन चेक द एफिकेसी ऑफ़ देयर ऑर्डर अगर यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो ऐसा लगता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नो लॉन्गर केयरिंग अबाउट द ऑर्डर जो कि उसने खुद ऑथर किया था तो इस सब के वजह से उस ऑर्डर की जो इफेक्टिवनेस है वो अब आलमोस्ट नथिंग है तो जब एक ऑर्डर क्लेर करता है या कलेयर करना शुरू करता है तो उसके लिए बाकी जो नेशंस हैं वो एक अल्टरनेटिव ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैरल एफ़र्ट्स शुरू करती हैं इन दाम जैसे आज की अगर बात करें चाइना एंड सोवियत यूनियन चाइना एंड रशिया जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि रेगुलेट करे रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स को और जो कि जो न्यू चैलेंजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट माइग्रेशन रेसिज्म इस तरह के चैलेंजेस को करते ला टैकल कर सके सो so, अब बात आती है कि कैसे पावर शिफ्ट कर रही है पावर ऐसे शिफ्ट कर रही है कि सर्टन ऐसे हमारे पास डेवलपमेंट्स होते हैं या ऐसे हमारे पास टेंजिबल इवेंट्स होते हैं जिनकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं या डिटेक्ट करते हैं कि पावर कहाँ कंसनट्रेट कर रही है वेस्टर्न नेशंस के एस लॉन्ग एस उनकी इकॉनमी सस्टेनेबल ग्रोथ कर रही थी उनके रिलेशंस अच्छे थे इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तब तक जो पावर एंड अथॉरिटी थी या जो इन्फ्लुएंस करने का जो एक टूल था वो वेस्ट के कंट्रोल में था वो अपने उस टूल को यूटिलाइज करते थे टू करेक्ट बिहेवियर ऑफ अदर नेशंस और सोसाइटीज़ लेकिन चूंकि अगर हम वेस्टर्न नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी की हेल्थ को देख लें तो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है या जो स्टेबिलिटी है वो अपीयर या वो एग्जिस्ट नहीं करती या वो वैसी नहीं है जैसे हुआ करती थी जबकि रिलेशंस अगर ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस को देख लें तो वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड टर्मोइल में हैं वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जबकि दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ में देखें तो यहाँ पर राइजिंग इकोनॉमीज इन द फॉर्म ऑफ आसियान कंट्रीज़ चाइना यहाँ पे एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर राइज कर रहा है रशिया रिसर्च कर रहा है और साथ ही साथ ऐसे कंट्रीज़ है जिनको हम रिविजनिस्ट रिवजन कंट्रीज और नैशनल स्टेट्स कहते हैं वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ऑथर एंड इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस सब से हमें ये समझ आता है कि जो पावर है वो अब ट्रांजिट आर ट्रांसमिट कर रही है फ्रॉम वेस्टर्न नेशनस आर वेस्टर्न कॉन्टीनेंट टूवर्ड्स ग्लोबल साउथ तो ये जो टर्म है यहाँ पर ग्लोबल पावर शिफ्ट का इससे मुराद ये है कि ग्लोबल पोलिटिक्स में पोलिटिकल इन्फ्लुंस इकॉनमिक जो वाइब्रेंसी है या जो सिक्योरिटी वगैरह है या बाकी जो अफेयर जितने भी इंगेजमेंट्स जो होते हैं बिटवीन स्टेट्स अब उसका जो डायरेक्शन है इन सब का जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट ट्रांसमिट हो रहा है टूवर्ड्स ग्लोबल साउथ जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से अपने उस टाइम ऑफ ऑफ ग्लोरी को दोबारा से रिवाइव करें और इसी कोशिश में यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉक इट्स सेल्फ इन स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर विथ रशिया एंड चाइना तो आई गेस आप लोगों को ये जो टाइटल है ग्लोबल पावर शिफ्ट इसके बारे में समझ आ गई होगी फिर इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी एंड ये सारा कुछ कैसे हो रहा है आज की सिटिंग में हम देखेंगे इसमें पॉइंट्स अगर जो मैंशन है आपके सामने इनको वन बाई वन देख लें पॉइंट फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स माउंटिंग फिजिकल इरेगुलरिटीज इंसुलर फॉरन पॉलिसी पोस्चर मिलिटराइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड सेंकशन रिजीम एंड स्टेटस्ट और अब ये वो सारे डेवलपमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की एंड पर जिसकी वजह से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो अपने उस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए विलिंगनेस या उस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स प्रिपेयर नहीं है या विलिंग नहीं है सेकंड पॉइंट इसमें है ग्रोइंग इकोनॉमिक मसल एसर्टिवनेस इन पैसिफिक ओशन या उसको साउथ चाइना सी कहें ईस्ट चाइना सी कहें आगे है एंड अविजन ऑफ न्यू ऑर्डर क्योंकि अब यूनाइट स्टेट्स बींग सुपार अगर कोलेब्स करता है तो उस कुलैब्स की वजह से एक पावर वैक्यूम जनरेट होता है उस पावर वैक्यूम को आप फिल कर रहे हैं ये राइजिंग नेशन जिनको हम कलेक्टिवली ब्रिक्स कहते हैं पॉइंट थर्ड है रशियास रिसर्च एंड बेलिजरेंस है फोर्थ है यूरोप पर सूट ऑफ स्ट्रेटजिक अटानमी है सेकेंड लास्ट इंडिया राइस इंड स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग एंड फाइनली मिडल ईस्टर्न शिफ्ट शिफ्टिंग सेंस इन जियो पॉलिटिक्स अब ये वो सारे डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम दो एसम्पन यहाँ पे कर सकते हैं एक तो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अब यूनिपोलर जो एक मूवमेंट था उस मूवमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स लॉस कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इकोनॉमिक जो उसकी सस्टेनेबिलिटी या जो मसल था और मिलिट्री जो प्रीपोंडेंस का एलिमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सट करता था वो मेंटेन नहीं रहा जिसकी वजह से जो बाकी राइजिंग नेशनस हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं इसका मतलब मनमानी कोई तभी कर सकता है जब उसके एंड पर पावर हो जब उसके पास पावर हो तभी वो मनमानी कर सकता है तो इससे कंफर्म ये हो जाता है कि ग्लोबल पावर जो है वो या ग्लोबल जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें एक टिल्ट आ रहा है और वो टिल्ट इन फेवर ऑफ़ राइजिंग इकोनॉमीज या ग्लोबल साउथ है तो ये जो इस लेक्चर का फर्स्ट सेक्शन है इस में जो पॉइंट्स आपको मैंशन किए इनसे आपको आई बिलीव क्लैरिटी होगी कि कैसे या वो कौन से कोशेसन्स जिन है जिनकी वजह से या जिनकी बेस पर हम क्लेम कर सकते हैं कि यस देर इज़ अ शिफ्ट इन ग्लोबल पावर अगर आगे देख लें क्योंकि ऑर्डर की हम बात इस लेक्चर में टाइम एंड अगेन करेंगे इस फैया से थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ब्रीफली आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ या उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए जिनकी बेस वेस्पे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऑर्डर को या एक ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट एंड लॉन्च किया था इन द आफ्टर मैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस ऑर्डर के सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स ये थे फर्स्ट लिबरल मल्टी रूल्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी फ्री ट्रेड इकॉनमिक डी रेगुलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस इसमें आप लोग ग्लोबलाइजेशन भी ऐड कर लें तो वेल एंड गुड है सेकेंड पॉइंट है ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑर्डर हम देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट इसमें लिबल इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशनस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई एम एफ वर्ल्ड बैंक सेट ऑफ एस बुल वॉक अगेंस्ट नॉन डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज अब ये वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्कस और अरेंजमेंट्स थे जिनके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने ऑर्डर को इंटरनेशनलाइज किया अपने ऑर्डर को मेंटेन किए रखा लेकिन अब इन इंस्टीट्यूशनस की अगर अफेक्टिवनेस को हम देख लें तो दे आर ग्रोइंग डिसफंक्शनल विद द टाइम थर्ड है इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ की अगर हिस्ट्री देख लें तो शायद इस ये वो वाद लॉ है जिसको नेशंस बहुत कम ही फॉलो करती हैं या एडहेयर टू करती हैं गिवन अनलेस और उनका इंटरेस्ट सर्व हो जब किसी नेशन का इंटरेस्ट सर्व ना हो तो वो नेशन इंटरनेशनल लॉ के जो रेगुलेशनस हैं उनको डिसरिगार्ड करने में टाइम नहीं लगाते इसमें थर्ड है मैथ मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन यानी इन इन एलिमेंट्स के थ्रू भी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने इस ऑर्डर को इंट्रोड्यूस एंड मेंटेन किए रखा फाइनली सिक्योरिटी अलायस एंड पार्टनरशिप्स इन द फॉर्म ऑफ नेटो तो, क्वाड आई टू यू टू एंड सो फोर ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स रहे यूनाइटेड स्टेट्स की उस ऑर्डर को मेंटेन रखने में जिन्होंने बड़ा क्रिटिकल एंड बड़ा पिविटर रोल प्ले किया लेकिन इन सब को अगर कलेक्टिवली देख लें तो इन सब इन सब में क्रेक आर एक फिशर नज़र आता है जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के वो ये क्लेम करते हैं कि यूनिपोलर जो इराह है या जो यूनीपोलरिटी है अब वो एक्सिस नहीं करती बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो पावर है जो है वो अब जो बैलेंस है बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्शन है या पावर जो है अब वो डिस्ट्रीब्यूट है पावर एक पोल पर कंसंट्रेटेड नहीं है जिसकी वजह से वो क्लेम करते हैं कि वी आर लिविंग इन द ए एरा ऑफ मल्टीपोलैरिटी यहाँ तक आई गेस आप लोगों को क्लियर है आगे देखते हैं कि फिशर क्या फ्रैक्चर्स हैं एंड नीड फॉर एन अल्टरनेटिव केस से ज़रूरत पड़ी इस हेडिंग के अंडर सर्टन ऐसे पॉइंट्स और डेवलपमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं जिनकी बेस पे या जिनको कंसीडर करते हुए हमें समझ आ जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑर्डर है उसका क्लेप्स कैसे और क्यों हुआ फिर उस क्लेब्स की वजह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं या जो राइजिंग इकोनॉमीज हैं उन्होंने नीड फील की टू इस्टेबलिश एन अल्टरनेटिव टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्डर पॉइंट फर्स्ट है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्रंच ऑफ टू एंड एट यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो जो डिफरेंट वेस्टर्न स्कॉलर्स थे नोटबली फ्रेंकस फूकुयामा उन्होंने अपनी बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री के थ्रू ये क्लेम किया था कि अब ह्यूमन बींग्स की लाइफ में या इकॉनमिक्स में या पॉलिटिकल लाइफ में अब इवोल्यूशन का वो फेस आ गया है जिसके बाद फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट और एवोल्यूशन के लिए कोई फर्दर गुंजाइश नहीं है जिसको उन्होंने कहा था एंड ऑफ हिस्ट्री और साथ उन्होंने ये ये क्लेम किया था कि जो लिबरल जो इकॉन्मिक सिस्टम है या कैपिटलिस्ट इकॉनमिक सिस्टम एंड डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया के लिए अब रेलिवेंट है वो फिजिबल है और इस इस जो इंस्टीट्यूशन हैं ये जो इंस्टीट्यूशनस हैं इनकी रिवोल्यूशन में ये फाइनल फेज़ है अब अगर ऐसा होता तो फिर ये जो इकोनॉमिक क्रंच था 2007 एंड एट का उसने फोकोयामा का इस क्लेम को फोकोयामा के इस क्लेम की जो क्रेडिबिलिटी थी उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया इस डेवलपमेंट से हमें ये समझ आता है कि लिबरलिज़म इंटरडिपेंडेंस ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेसी वगैरह जैसे कन्सैप्शन हैं वेस्टर्न कन्सैप्शन वो ऑल टाइम फेवरेबल नहीं हैं वो हर सोसाइटी के लिए फिजिबल नहीं है तो जिसकी वजह से ये पॉइंट था टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद ऑर्डर जो है वो क्लेयर करना शुरू हुआ या ऑर्डर में फ्रैक्चर्स पड़ना शुरू हो गए सेकेंड पॉइंट है राइस ऑफ अल्ट्रा वॉयलेंट राइट विंग नेशनलिस्ट स्पेन से लेके टर्की ब्राज़ील वगैरह देख लें फिलिपाइंस देखें सो फोर्थ दुनिया में डेमोक्रेसी इन रिसेशन है हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं कि कंट्रीज़ आर ग्रोइंग नॉन डेमोक्रेटिक पर्टिकुलरली लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया में एक ऐसी हमारे पास गवर्नमेंट है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है उसके एक्शंस अगर देख लें उसका बिहेवियर देख लें तो उससे विजिबल होता है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है सो so, डेमोक्रेटिक रिसेशन भी इस बात को इस बात को कन्फर्म करती है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक प्रीच किया हुआ एक जो सिस्टम था एक पॉलिटिकल फिलोसफी थी वो अब फिजिबल नहीं है थर्ड पॉइंट है ब्रैक्सिट एंड द राइज ऑफ ट्रम्पज़म आप लोगों को पता है अगर यूनाइटेड स्टेट्स का वो सिस्टम अच्छा होता फिजिबल होता क्रेडिबल होता तो ब्रेक्सिट जैसे इवेंट्स हमारे सामने ना आते फिर ट्रंप का राइज ना होता ट्रम्प आप लोगों को पता है जब वो आया था फर्स्ट टर्म में तो उन्होंने एक स्लोगन यूज़ किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में या अपने इलेक्शन कम्पेन में टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो एक एक स्टेटस नैरेटिव है या एक स्टेट सेंट्रिक उसकी एक फॉरेन पॉलिसी या एक नैरेटिव था फिर आगे है राइस ऑफ रिविजन इस आरवेंचस्ट एंड एंटी स्टेटस को पास चाइना है रशिया है जो कि वेस्टर्न जो सिस्टम है इसको आउटलाइन रिजेक्ट करते हैं या वो इस सिस्टम का हिस्सा कभी बने नहीं हैं अगर बने भी हैं तो वो इस सिस्टम से खुश नहीं थे उनके राइस से ये कंफर्म हो जाता है कि जो अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज हैं या अल्टरनेटिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ़िलासफीज हैं उनका अगर उनको फॉलो करने वालों का राइस होता है तो इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न जो कंसेप्शन है पॉलिटिक्स के बारे में इकॉनमी के बारे में वो फॉल्ट एक फ्लॉट वन है फिर आगे है पॉइंट फिफ्थ अमेरिका से एक्सप्लाइटेशन ऑफ अथॉरिटी अब्यूज़ ऑफ पार यूनिट्रल फॉरेन पॉलिसी डिजाइनस एंड इनएबिलिटी टू अकोमोडेट अदर्स अब ये वो पॉइंट्स हैं फरीद जक्रिया के अकॉर्डिंग जिस जिनकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी जो एक अथॉरिटी थी या अपना जो रोल था ग्लोबल पोलिस मैन का उसको लॉस किया उस रोल के लॉस होने की वजह से उसके ऑर्डर की जो क्रेडिबिलिटी एंड अफेक्टिवनेस थी वो कम हो गई फरीद जक्रिया ही नोट करते हैं कि यूनाइट स्टेट्स का जो ऑर्डर था वो इस्टेब्लिश हुआ था उसका राइस हुआ था विद दि फॉल ऑफ बर्ल इन और उस ऑर्डर का कोलेप्स हुआ था विद द फॉल ऑफ सद्दाम्स सरजीम इन इराक़ सो यहाँ पर हमें यह समझना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने उस अथॉरिटी को अपनी उस लजिटमेसी को और अपने उस ऑर्डर को लॉस किया अपनी वजह से ही अब उस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए फर्दर यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉकड इट्स इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद चाइना एंड रशिया एंड ऑल दोज कंट्रीज जो कि उसकी डिक्टेशन को फॉलो नहीं करते सिक्स पॉइंट है ट्रेड वॉर एंड फॉल ऑफ डिजिटल आयरन क्रट इन बिटवीन चाइना एंड यूनाइट स्टेट्स आप लोगों को पता है फिर आगे है सेवन कि द क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी नॉन ट्रेडिशनल एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस एंड एरोप्शन ऑफ कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक ये ऐसे डेवलपमेंट्स और ऐसी हार्स रियलिटीज़ हैं जिनसे हमें कन्फर्म होता है कि यूनाइट स्टेट्स का जो ऑर्डर है यूनाइट स्टेट्स के बनाए हुए जो इंस्टीट्यूशनस हैं वो अब क्रेडिबल नहीं है वेन इट कम्स टू डूलिंग न्यू चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट है माइग्रेशन है टेररिज्म है इप्पशन ऑफ पेंडेमिक्स हैं ऐसे तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको नेविगेट करने की पोजीशन में नहीं है वो इंस्टीट्यूशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बनाए हुए हैं तो अगर ऐसा है तो फिर अल्टरनेटिव के लिए कोशिशें जारी हैं या अल्टरनेटिव के लिए फील किया जा रहा है इन ग्लोबल साउथ फिर आगे है एट्थ पॉइंट ग्रोइंग यूज़ ऑफ हार्ट पार एंड रिसोर्ट टू वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरन पॉलिसी पैलेस्टाइन में देख लें इसराइल ईरान रिलेशंस को देख लें यूनाइटेड स्टेट्स की एक्टिविटीज़ और उसका जो एक अकानमिक उसने जो ओरिएंटेशन अडोप्ट की है जिसको हम एकॉानमिक रेलिजम कह लें या मर्केंटलम कह लें रशिया एंड चाइना के साथ जैसे डील कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को जैसे डील कर रहा है पाकिस्तान को जिस मैनर में ट्रीट कर रहा है और इंस्टीट्यूशनस को जिस मैनर में पोलिटिसज़ यूनाइट स्टेट्स कर रहा है उससे यह समझ आता है कि यूनाइट स्टेट्स जो है ना वो अब ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी के बारे में केयर नहीं करता बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को सिर्फ अपनी परवाह है बाकी जो सोसाइटी है या सिस्टम है जिसमें सारी स्टेट्स उस सिस्टम का हिस्सा हैं उस सिस्टम के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स को अब कोई केयर नहीं है फिर नेक्स्ट है नाइन्थ इशू एट सिक्योरिटी अलाइंस ट्रांसफॉर्मिंग कॉपोशन इंटू कन्फ्रेंटेशन इंगेजमेंट इन टू इस्टेचमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन इन टू नोबलाइजेशन इस एरियाज़ पर हम बात कर चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अब एक स्टेप का शिकार है ट्रेप का शिकार है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को कन्फ्रंट एंड कंटेन करने के लिए इशू बेसिस पर यानी एक इशू है चाइना का राइज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इस इशू को काउंटर डील करने के, के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अब अलाइंस बना रहा है इन फॉर्म ऑफ आई टू यू टू क्वाड एंड सो फोर्थ फाइनली इसमें मिलिट्राइजेशन ऑफ चोक पॉइंट्स या सी लेंस ऑफ कम्यूनिकेशन जिनको हम कहते हैं जैसे हर स्टेट ऑफ़ हरमज है स्टेट ऑफ मलाका है एंड सो फोर्थ वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशनस एंड बल्कनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ अलॉन्ग सिविलाइजेशनल फोर्ट लाइनस अब ये एक ऐसा एरिया है जिसकी बेस पे यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि किसी भी तरीके से दुनिया को पोलराइज या स्टेट्स को पोलराइज किया जा सके ताकि उसके जो स्ट्रेटजिक इंट्रस्ट हैं स्ट्रेटजन्स हैं उनको वो अटेन कर सके ऐट दॉट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस ये सर्टन ऐसे पॉइंट्स हैं यानी ऐसे डिवलपमेंट्स हैं जिनकी बेस पर हमें यह समझ आता है कि yes, देर आर फ्रैक्चर्स इन दर्डर क्रिएटेड बाई यूनाइट स्टेट्स और इन सब डिवलपमेंट्स की वजह से ही चाइना रशिया ईरान इन बाकी जो राइजिंग इकानमीज हैं उनमें एक फीलिंग और एक इमोशन पाया जाता है टू इस्टैब्लिश एन अल्टरनेटिव टू दर्डर इस्टब्लिश बाई यूनाइट स्टेट्स अगर आगे मूव ऑन कर लें तो अब चाइना का जो अल्टरनेटिव है चूंकि चाइना हमारे पास इस पोजिशन में है ऑल दो तो चाइना आउटलाइटली या चाइना कैटेगोरिकली के ये, ये क्लेम नहीं करता कि चाइना जो है ना वो विलिंग ने शो कर रहा है टू इस्टेबलिश एन अल्टरनेटिव टू तो यूनाइटेड स्टेट्स बट चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं चाइना का जो एक जिस मैनर में चाइना फंक्शन कर रहा है या कॉपरेट और पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में उससे ये विजिबल है कि चाइना जो है ना रशिया के साथ ईरान के साथ ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ अपने डिफरेंट डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू चाइना इस कोशिश में है कि एक अल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके